राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये मैं जन्माष्टमी का प्रसाद बना रही हूँ, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे पंजीरी चढ़ता है हमारे यहाँ, तो मैं पंजीरी बना रही हूँ धनिया का। तो ये धनिया बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो इससे मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के और धनिया को भून लूँगी मैं। प्रसाद थोड़ा सा ही बनाऊँगी पंजीरी, क्योंकि इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट ये सब मिक्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हल्का आँच पे इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब भून लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे ठंडा। देखिए, भून लिया मैंने और गैस को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। और इधर मैंने चीनी को भी मिक्सी को मतलब अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था दिन में ही, और अच्छी तरह से धो के उसमें चीनी पीस लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए, दूसरे बर्तन में मैं निकाल दूँगी और ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे मैं चीनी का बुरादा डाल दूँगी, चीनी को मैंने पीस लिया था। तो यहाँ पे जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से मैं डाल दूँगी। उसके बाद डालूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मेरे पास काजू था, तो काजू डाल दिया मैंने इसमें। नारियल ये सब भून के डालने से और ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मेरे पास सिर्फ काजू ही था तो वही मैं डाल दी हूँ। और डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और देखिए, मेरा पंजीरी प्रसाद बन के तैयार है। तो ये पीतल का मतलब कटोरा है, तो उसी में मैं भोग लगाऊंगी। तो इसमें मैं निकाल लेती हूँ और इसे ले जाके रख दूंगी मंदिर में। तो राधे राधे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, जन्माष्टमी के लिए मैंने धनिया का पंजीरी बनाया। हमारे यहाँ धनिया का पंजीरी चढ़ता है, ये कृष्ण भगवान का फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी बना लिया है और आप सबके साथ शेयर किया है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, तो ये देखिए, छोटा सा कूलर में लेके आई थी और इसमें भगवान जी को मैं माखन और मिश्री भोग लगाऊंगी रात को। तो अभी मैं बना ली हूँ, शाम हुआ है, अभी तैयारी कर ली हूँ। और अभी हम लोग जाएंगे श्याम मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर जाएंगे और रात को आके पूजा करेंगे। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ, बाकी सब मैंने तैयारी कर ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रसाद ले लूँगी, लड्डू ले लेती हूँ, वहाँ पे ले जाके मंदिर में भोग लगा दूँगी भगवान जी को। तो यहाँ पे लड्डू ले लेंगे, उसके बाद चलेंगे। देखिए, और यहाँ का नज़ारा बाहर और दुकान में, मतलब लड्डू ख़त्म होने वाला था ऐसा हो गया है, बहुत भीड़ था। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग पैदल ही चले जाते हैं। एक डेढ़ किलोमीटर है मंदिर, डेढ़ दो किलोमीटर होगा शायद, तो हम ऐसे चल देते हैं, पैदल पैदल ही चले गए मंदिर। और थोड़ा सा पहाड़ है तो सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है। दिन होने से तो आप अच्छी तरह से देख पाते, कभी दिन में दिखाएंगे आप सबको, लेकिन अभी जन्माष्टमी है तो रात को ही पूजा होता है। और यहाँ पे पहुँच गए हैं, देखिए यहाँ पे पूजा का सामान ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ऊपर दिख रहा है मंदिर, और ये थोड़ा सा पहाड़ टाइप का है तो ऊपर चढ़ना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब मेला जैसा लगा हुआ है, तो बहुत सारे भीड़ है। देखिए, हम लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ी से। और ये मंदिर बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया गया था, और चारों तरफ पेड़ पौधा है, यहाँ पे हरियाली बहुत है। तो अभी तो रात है, नहीं दिखेगा, फिर भी हल्का फुल्का दिख रहा है। और सारा पेड़ पौधा में मतलब लाइटिंग किया हुआ है। तो चलिए, आप सबको मैं दिखाऊंगी और आप सब देखिए, कृष्ण भगवान का भी दर्शन करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने लोग आए हैं, और यहाँ पे पार्क जैसा भी है, तो सब लोग बैठे हैं, सब फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो आप सब वीडियो एंजॉय करिए और हम लोग मंदिर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी का दर्शन कराया आप सबको, कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, फ्रेंड मिल गई थी, हम लोग पूरी गए थे ना, तो हम सब दोस्त बन गए थे, एक साथ ही गए थे, तो मिल गई। हम पूजा कर रही थी तो देखा कि ये भी आई है, तो फिर हम लोग ने बात किया। और इनका बाबू ये बहुत प्यारा है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा बातें करता है वो, तो अच्छा लगता है उससे बात करके। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नीचे बैठे थे थोड़ा टाइम,
तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके थोड़ा सा बैठे, बहुत बहुत मन को शांति मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग पूजा कर रहे हैं, हमारा पूजा हो गया है तो हम यहाँ पे बैठे थे, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं। तो देखिए मंदिर कितना सुंदर से डेकोरेशन है, तो चलिए आप सबको थोड़ा सा घूम घूम के दिखा लेते हैं। बैठ गए हैं ठंडा ठंडा घास, तो यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा देर, बाहर में हवा लग रहा है। और ये देखिए मंदिर, देखिए घास में बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा थोड़ा देर बैठेंगे। मैं भी ब्लॉग घास सब में बहुत अच्छा लाइटिंग किया है, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है अंधेरा। यहाँ पे नाम कीर्तन चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे देखिए हनुमान जी मंदिर के मतलब बाहर साइड में है हनुमान जी, तो दिखा दिया आप सबको। और यहाँ पे नंदी भगवान और साइड में है भोलेनाथ, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और हम लोग अभी बाहर निकल गए हैं, अभी चलेंगे घर, तो चलिए घर चलते हैं। और ये देखिए मंदिर व्यू बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। पहाड़ के ऊपर है मंदिर।
तो यहाँ पे लाइटिंग से स्वास्तिक बना हुआ था, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था देखिए। और घर आ गए हैं, घर आके मैं यहाँ पे रात को 12 बज गया, उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा की हूँ देखिए। भगवान जी को मैं भोग लगाई हूँ, लड्डू माखन मिश्री धनिया का प्रसाद और ये नारियल खीरा जो होता है, तो मैं फ़ोटो पे ही पूछे कि फ्रेंड्स आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नया और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए।